मॉर्निंग प्लस टू क्लास, वेलकम बैक यू अगेन इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर वीडियो थी उसमें हमने सोलिबिलिटी ऑफ गैस की बात करी इन लिक्विड के अंदर। ठीक है, जब भी हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं सोलिबिलिटी ऑफ सोलिड इन लिक्विड। मैं एक एक चीज आपको बेसिक बता रहा हूं। ये नहीं कि प्लस वन का बेस है, प्लस वन में जो आपने किया उस नॉलेज को भी कैरी करना है और जो प्लस टू में आप सीख रहे हो उससे कंबाइन करना है। तो सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है। सोलवेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में होता है। तो सोलिड किसका काम करेगा यहाँ पे? सोल्यूट का। और लिक्विड किसका काम करेगा? सोलवेंट का। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी होती क्या है, तो इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलिड दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यही चीज मैंने अंडरलाइन क्योंकि ये चीज आपको देखनी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलिड का मतलब क्या होता है? हम मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो वहां से आपने कंपेयर करना है। मैं कहता हूं एक बच्चा कहता है क्लास में, मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपके मार्क्स कितने आए, तो एक बच्चा बोलता है मेरे 90% आए। ठीक है, और मैंने बोला कि मेरी उड़िया के तो 98% मार्क्स आए हैं। तो इससे क्या होता है? तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपकी गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती है, पर इससे ये चीज साबित थी कि मेरी गुड़िया उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, पर जब उसने मुझसे पूछा कि आपकी गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो मैंने कहा फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। और वो बच्चा कौन सी क्लास में है? प्लस वन क्लास में है। ठीक है, तो क्या ये कंपैरिजन ठीक था? नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूं एक गिलास पानी में मैंने नमक डिजोल्व किया और दूसरे एक बकेट में मैंने चीनी गोली, तो मैंने कहा चीनी का सॉल्यूशन ज्यादा है नमक से। क्या मैंने सही कहा? नहीं, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर क्या दोनों में अलग अलग। तो वही चीज है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड जो आप डिजोल्व कर रहे हो 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि 100 ग्राम जो आपका मास रहेगा सॉल्वेंट का वो कितना रहेगा? 100 ग्राम ही रहेगा। आप उसको कम या ज्यादा नहीं ले सकते। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉलिड आपने डिजोल्व कर रहे हो टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? मैंने एक चम्मच नमक की पानी में डिजोल्व कर दी, मैंने कहा सॉल्युबिलिटी आ गई। क्या सोलिबिलिटी आ गई? नहीं। और नमक भी डिजोल्व किया जा सकता है, और नमक भी डिजोल्व किया जा सकता है, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो नमक डिजोल्व होना बंद कर देगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सैचुरेशन या सैचुरेटेड। तो हम क्या बना रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, इससे आगे और डिजोल्व नहीं हो सकता एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर कहने का मतलब है कि आपका रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें आपने एक चम्मच डोल दी, फिर और डिजोल्व कर दी, और डिजोल्व कर दी, सैचुरेशन आ गया था, यानी इक्विलिब्रियम आ गया था। अब आपने उसको और टेम्परेचर दे दिया, 25 से 35 ले गए, 35 से 50 ले गए, यानी आप क्या कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, रेंडमनेस बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से स्पेस और क्रिएट हो जाएगा, सोलिबिलिटी और बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर आपसे कोई पूछता है तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कि मैंने बोला 25 तो 25 ही, 35 पे बोला तो 35 पे सैचुरेटेड यानी इक्विलिब्रियम आना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अगर मैंने बोला 50 तो 50 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आना चाहिए। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर बड़ा इफेक्ट करती है सोल्यूट और सोलवेंट की, कि सोलिबिलिटी कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, वो डिपेंड करती है। तो एक कॉमन सी चीज है लाइक डिजोल लाइक, याद आ गया होगा आप सभी को कि जैसी नेचर है आपकी वो आपको वैसे ही दोस्त मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं आपकी नेचर बहुत अच्छी है पर आपके दोस्त गुंडे हैं, बदमाश है, ये नहीं। अगर आप गुंडे बदमाश हो तो आपको गुंडे बदमाश ही मिलेंगे, अगर आप अच्छी नेचर के तो आपको अच्छी नेचर के मिलेंगे। सो लाइक डिजोल लाइक। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने यहां पे लिया NaCl का और शुगर का। अगर मैं कहता हूं NaCl और शुगर, ठीक है, NaCl क्या है? मेरा सोल्ट। और शुगर क्या है? सुक्रोज मान लेते हैं C12H22O11। तो NaCl को जब मैं वाटर में डिजोल करता हूं और शुगर को पानी में डिजोल कर, दोनों ही घुल जाती, पर मोर सोल्यूबल कौन है? ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, कैसा है? पोलर इन नेचर, तो मोर सोल्यूबल है। कैसे मोर सोल्यूबल है? क्योंकि वाटर भी क्या है? पोलर। वाटर भी क्या है? पोलर। ठीक है, यानी OH, तो वाटर पोलर है। शुगर कैसा है? कोवलेंट इन नेचर, नॉन पोलर है। तो पोलर का मतलब क्या हो गया? लाइक डिजोल लाइक, लाइक डिजोल लाइक। तो पोलर को पोलर डिजोल करेगा तो
मोर सोल्यूबल कौन है NaCl और शुगर क्या है लेस सोल्यूबल, दोनों ही डिजोल्व होते हैं पर जल्दी डिजोल्व कौन होगा NaCl होगा। अदर एग्जांपल लेते हैं, मैंने NaCl ही लिया, आयनिक है नेचर है और पोलर भी है, वाटर क्या है पोलर और बेंजीन लिया मैंने साथ में, बेंजीन कैसा है नॉन पोलर, तो कौन जल्दी डिजोल्व करेगा, वेरी राइट NaCl वाटर डिजोल्व कर लेगा, बेंजीन डिजोल्व नहीं करेगा क्योंकि लाइट डिजोल्व लाइट। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास, वेलकम बैक इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। तो जो फैक्टर्स हम कर रहे थे कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के लिक्विड में, जो सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी होगी कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमने किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा नेचर होगा वैसा ही नेचर उसको डिजोल्व करेगा। तो सेकेंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। यहाँ पे तीन तरह के सब्सटेंसेस हैं जो टेम्परेचर पे बेस है, तो पहले सब्सटेंस की बात करते हैं हम। सबसे पहले सब्सटेंसेस इन विच सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे ठीक है वो इक्विलिब्रियम को खत्म कर देगा, यानी सैचुरेशन को खत्म कर देगा, इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट कर देगा, तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl KCl NaNO3 KNO3, तो NaCl का हमने किया हुआ। इस पे इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम प्लस वन पे वापिस चलते हैं और एक टॉपिक जहां पे आपकी स्माइल आनी स्टार्ट होगी होगी वापिस फिर, क्यों इंपॉर्टेंट रहा ये टॉपिक लीच एटलियर प्रिंसिपल, मैं पूरा नहीं समझाऊंगा बस एक लाइन में इसको खत्म करेंगे ठीक है। लीच एटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है ठीक है, जो एक्शन आप करोगे सिस्टम उसको अपोज करेगा, जो भी एक्शन आप करोगे सिस्टम उसको अपोज करेगा। जैसे हम कहते हैं आपको पढ़ लो, क्या तुम पढ़ते हो नहीं ना, तो तुम क्या कर रहे हो अपोज कर रहे हो उसको ठीक है, मैं कह रहा हूं और तुम उसको अपोज कर रहे हो, तो हमेशा ऐसा होता है, तुम कहते हो ये कर लो तो हम कहते नहीं, तो सिस्टम को अपोज, सिस्टम क्या कर रहा है अपोज कर रहा है उसको ठीक है। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मैंने एक इक्वेशन लिखी है सोल्यूट सोलवेंट हीट सोल्यूशन और मैंने रिवर्स लगा दिया है ठीक है डायरेक्शन, तो मैं एक बार इसको पढ़ के सुनाता हूं जरा समझना इसको। सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट विद हीट कन्वर्टेड इंटू सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन रिलीज हीट एंड कन्वर्टेड इंटू सोल्यूट एंड सोलवेंट, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई और यहां पे इसने हीट रिलीज कर दी ठीक है। और जो ये प्रोसेस हो रही है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस है एंडोथर्मिक ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जरा ध्यान देना, टेम्परेचर अगर आप सिस्टम का बढ़ा रहे हो तो हीट क्या होगी, कॉमन सेंस है, तो हीट क्या होगी हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हीट बढ़ेगी और जब हीट बढ़ेगी तो सिस्टम उसको क्या करेगा, हीट को कम करने की कोशिश करेगा। और सिस्टम उसको कम कैसे करेगा, तो सिस्टम उसको कम कैसे करेगा, सोल्यूट और सोलवेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हीट को जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या बन जाएगा सोल्यूशन, तो हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्या बनेगा सोल्यूशन, क्या बनेगा सॉल्यूशन। सेकंड जो सब्सटेंस है इन विच सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी घटती है जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, यहां भी एक इक्वेशन लिखते हैं तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट कन्वर्टेड इंटू सोल्यूशन रिलीजेस हीट ठीक है, सोल्यूशन एब्जॉर्ब हीट कन्वर्टेड इंटू सोल्यूट एंड सोलवेंट ओके। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट पे क्या फर्क पड़ेगा सिस्टम की, सिस्टम की हीट बढ़ेगी, सिस्टम की हीट बढ़ेगी तो वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो कम कैसे कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें कम कैसे कर रहा है, वो हीट को बाहर निकाल रहा है सोल्यूशन से, तो ही सोल्यूशन को क्या कर रहा है ठंडा, तो सोल्यूशन किस में टूट गया अगेन सोल्यूट एंड सोलवेंट में, तो सोल्यूट और सोलवेंट में जब टूट गया तो रिएक्शन किस में शिफ्ट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ओके। थर्ड सब्सटेंस इन विच सोल्युबिलिटी डू नॉट सो रेगुलरिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपनी रेगुलरिटी नहीं दिखाएगा सोल्युबिलिटी की ठीक है, वो कैसे टर्म करते हैं बायो में चलते हैं थोड़ा सा ठीक है, तो बायो में ठीक है प्लीज 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 डोंट स्माइल ओके। पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस कौन से हुए जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड 2H2O कैल्शियम क्लोराइड 4H2O कैल्शियम क्लोराइड 6H2O, तो ये एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, कब एग्जिस्ट करते हैं जब इनका टेम्परेचर में अलग अलग इफेक्ट होता है ओके। जैसे मैंने यहां लिया सोडियम सल्फेट प्लस 10H2O, अब मैं कहता हूं अबाउट 32.4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को लूज कर देगा, वाटर को लूज कर देगा तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी एंडोथर्मिक,
ये ऊपर वाली दो पॉइंट आपको याद आ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं ऐसे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करेगा, सॉल्यूशन में से हीट को बाहर निकालेगा, तो दोनों प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो व्हाट इफ टेम्परेचर इंक्रीज, देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी, बट सम सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच डिक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी, एंड सम सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच डू नॉट शो रेगुलरिटी। तो दीज एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट से पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, फिर भी कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।